हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, शेष रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा एक हॉस्पिटल है अकोला में, महाराष्ट्र, जहाँ हम रिश्तेदारों के बिना मानसिक जो रुग्ण हैं उनको हम भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। होता क्या है कि काफी लोगों को घर में पेशेंट को रख के इलाज करना कठिन होता है, या उनको पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल रहना भी मुश्किल हो जाता है। हम रिश्तेदारों के बिना पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उनको इतला करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपका पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट को लेके जाओ, वो पेशेंट को लेके जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको घर में रखना ही मुश्किल है, बहुत वायलेंट हो जाते हैं। घर में रखना उनके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत तकलीफदेह काम हो जाता है, तो उनको हमारे यहाँ महीना, 2 महीने, 3 महीने ऐसे रखते हैं और उनको अच्छा करके घर पे ले जाते हैं। हमारे यहाँ उनको काफी बड़ी जगह है जहाँ उनको घूम फिर सकते हैं, मैदान है, वहां वो खेल सकते हैं। फिर हमने दिन भर उनके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखा हुआ है, जैसा कि चेस खेलना, और फिर बाद में कोई कैरम खेलने का है, या फिर बाहर मैदान में फुटबॉल खेलो, ऐसे अलग अलग उनके उनके लिए हमने खेल रखे हुए हैं। उनके एक हम मीटिंग लेते हैं, ग्रुप मीटिंग, यहाँ ग्रुप में लोग बैठते हैं और उनका ग्रुप थेरेपी, ऐसा एक साथ में बैठ के उनका इलाज होता है। उनको 2 टाइम का खाना, नाश्ता, चाय पानी, ऐसा उनको खाने के लिए भी अच्छा हो जाता है, उनका दिन भी अच्छा जाता है और एक अच्छे माहौल में वो रहते हैं, और उनको फिर दवाई का इलाज भी होता है, तो उसमें वो बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आपके भी इलाके में ऐसे कोई लोग होंगे कि जो पेशेंट को घर में रखना मुश्किल है उनको, या घर में शादी ब्याह है, या घर में कोई फंक्शन है, ऐसा पेशेंट घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको भी हम रख सकते हैं। वैसे ही शराब के नशा के लोग, इनको शराब के नशा है, वो नशा छुड़वाने के लिए उनको हमारे यहाँ महीना, 2 महीने, 3 महीने रखना पड़ता है, ताकि वो वातावरण से जब दूर रहते हैं तो शराब की नशा, फिर गांजा है, अफीम है, चरस है, या फिर ब्राउन शुगर है, या और भी कोई नशा, नशीली चीजें का मतलब वो जो इस्तेमाल करते होंगे लोग, तो उनको भी हमारे यहाँ रखते हैं। तो उनको हम जब यहाँ सिखाते हैं, अलग अलग ऐसा मानसिक रुग्ण है उसको घर पे जाने के बाद में यदि वो वही काम ना कर सके वापस, तो उसको हम अलग अलग काम सिखाते हैं, जैसे टेलरिंग सिखाना, या फिर गार्डनिंग है, या फिर और कोई एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, या ऐसे कोई फाइल बनाना, ऐसे कोई हम सिखाते हैं उनको, ताकि वो घर जाने के बाद में अपना वो काम कर सके और वो अपना पैसा कमा सके और अपना घर चला सके। हमारा लक्ष्य है कि व्यसन मुक्त भारत और सभी बीमारी मुक्त, मतलब मानसिक बीमारी मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य। जरूरी वीडियो शेयर करो, हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नए नए वीडियो आते जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर संपर्क करें।